and you cannot take the name of the applicant. You cannot. अरे आ जा साथ में मैम, ठीक है। इधर इधर मैम एक सेकंड। कि एक बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा कर लेना कि हमको जो कह रहे हैं और हमको जो गाइड कर रहे हैं तो वो अच्छा हमारे बारे में समझते हैं। तो ऐसे किसी शख्स को मैं मिली जिन्होंने मुझे ऐसा कुछ ऐसे मतलब गाइडेंस दी और उसके करके मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई। उन्होंने मुझे, मैं आशा चंदा जी के हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे कहा कि आप यहाँ पे क्यों रहते हो। मेरी एक फ्रेंड थी कमलेश जी, वो शिकागो से थी, वो भी यहाँ पे एक्टिंग ही करने आई थी। वो मेरी मदर की एज की थी तो उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो हमने कहा हम दोनों के लिए कोई रेंटेड अपार्टमेंट देख लो, तो एक अपार्टमेंट दिलवाया। वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई, मैंने कहा देखिए आपकी, उनकी जो बेटी है वो मुझसे एक साल बड़ी है, तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई उनके घर पे। मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं और मुझे जो है, मैंने इनको अच्छा समझा था। और हमारी जो भी एक तो मेरी फिल्मों की उस टाइम पे एक फिल्म मेरी रिलीज़ हो गई थी शायद, या कुछ रिलीज़ पे थी, शायद रिलीज़ पे थी या गैंगस्टर के टाइम पे। तो मैं उनकी वाइफ के पास गई कि मेरी आप हेल्प कीजिए। तो वाइफ ने मुझे कहा कि देखो हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि ये जब घर पे नहीं होता है तो जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं या मेरे जो जो यहाँ पे जो भी आता है उन पे हाथ उठाता है, और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। मैंने कहा तो फिर मैं पुलिस के पास जाऊंगी बिकॉज़ मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो कहती तुम्हें जो करना है करो, मगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। फिर मैं पुलिस के पास गई तो उस बंदे ने मुझे धमकाया कि भाई अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुम्हारा जो भी छोटा मोटा नाम है, जो भी एक आधी फिल्म रिलीज़ हुई है, करियर बना है, वो एकदम फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि लोग समझेंगे कि इतने बड़े जो एक तरह से उस पर और भी काफ़ी केसेस चले थे और भी काफ़ी उस पर चले हैं केसेस। अब उसका नाम आप बताएंगी क्या? मैं आप बता दीजिए। आप आदित्य पंचोली की बात कर जी, तो उन पे और भी केसेस चले हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बाहर जाओगी, इस बात को बाहर निकालोगी तो तुम्हारा करियर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और मैं फिर भी पुलिस के पास गई, मैंने FIR लिखवाई और मेरा करियर वहाँ पे ज़ीरो हुआ भी। फिर मैंने फिर से शुरू किया काफ़ी उसको करके। ये बात जो है ज़रूर है सोसाइटी की, और मैं कहना चाहूँगी कि जब भी कोई लड़की के साथ में बुरा बर्ताव होता है या जब भी कोई लड़की शिकायत लगाती है तो सबसे पहले लड़की पे ही उंगली उठती है कि तुमने कुछ, मतलब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ तो गलती तो तुम्हारी ही है। तो मैं चाहती थी कि ये बात बाहर ना आए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता था ज़िद करके अपनी वो